नमस्कार साथियों, कलयुग में मनुष्य कई तरह की परेशानियां भोग रहा है। कोई नेत्रहीन है, कोई ठोकर खाते हुए जा रहा है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई अपने घर वालों से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। इन दुखों को दूर करने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन कोई भी उपाय कर लो, जब तक भगवत शरण में नहीं जाओगे, जब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, एक तो क्या है, अपने मन का लालच और दूसरों से जलना बंद कर दो। दूसरों की तरक्कियों को देखकर उनके बारे में सोचना बंद कर दो। अपने आप पर फोकस करो, आप क्या कर रहे हो। आजकल का कलयुग का मनुष्य 5 मिनट की पूजा में 50 साल का वरदान मांगना चाहता है। ब्राह्मण को बुलाकर कई लोग दक्षिणा भी देती हैं, भोजन भी कराती हैं। एक दिन ब्राह्मण को भोजन करा के वरदान में ट्रैक्टर भर के वो वरदान मांगना चाहती हैं, और ट्रैक्टर भर के वरदान देने वाला ब्राह्मण अब कहाँ है बताओ। साक्षात भगवान आया, वो भले ही तुम्हारी रेल भर के वरदान दे दी, लेकिन एक ब्राह्मण बेचारा वो खुद दिन रात भगवान का भयन करता है। जब कहीं जाके वो अपना काम चला रहा है, ब्राह्मण खुद भगवान के भरोसे रहते हैं, क्योंकि दाता भगवान ही है, ये आप मान लीजिए। पता नहीं किस जन्म से कई लोग कहते कि हम तो पंडित पूजा ही नहीं कर रहे, फिर भी फल फूट रहे हैं। तो पता नहीं किस जन्म के पुण्य हैं जो किसी न किसी रूप में आपके ऊपर बने हुए हैं, भगवान की कृपा बनी हुई है, जिससे आपके पास सब ऐश्वर्य हैं। लेकिन मनुष्य को दिन में अपने लिए आधा घंटा पूजा कम से कम करना चाहिए, सुबह या शाम या दोपहर में, जिससे कि आपके शरीर के ऊपर जो हवामंडल होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत होती है, वो मजबूत हो जाती है भगवान की कृपा से, इसी तरह मनुष्य के ऊपर भी ओजोन टाइप में ही एक आवरण होता है। उसको मजबूत करने के लिए आपको भजन और पूजा जरूर करनी है, जिससे कि आप कष्टों से दूर हो जाएंगे। कष्ट अगर आएंगे पूजा करने के बाद भी, तो आपको कम से कम महसूस होगा और आपको कष्ट निकल जाएंगे, जल्दी से निकल जाएंगे। पूजा पाठ करने का विधि विधान ये है, या तो मन से कह दो, पूजा कर रहे हो भगवान से कह दो, हे प्रभु मैं मन और वचन क्रमशः आपको ही भजता हूँ, इसमें आपका नाम लेने में तो शब्दोच्चारण विधि विधान में कोई गलती हो तो क्षमा करना। क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान तो तर्क और वितर्क में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे की खाल खोंचने में, एक दूसरे की बुराई करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन भगवान को तो श्रद्धा भाव पागलपन में, जैसे मीरा का पागलपन था, कई भक्तों का पागलपन था, हर चीज़ में भगवान देखती हूँ, तुम में, हम में, सब में भगवान का स्मरण करने वाले में, पशु में, पक्षी में, सब में भगवान व्याप्त है। और जो प्रकृति की रचना हुई थी, जब ब्रह्मा जी द्वारा कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों के द्वारा, उन्हीं से दिदी अदिति से सभी, जैसे अदिति से सभी देवता जन्मे, दिदि से राक्षस जन्मे, फिर सिंह का से शेर वगैरह, और जो पूरी पृथ्वी पशु पक्षी सब जी जन्मे, तो आपस में सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, मानो तो, और ना मानो तो, जैसे देवता और राक्षस आपस में भाई भाई मौसी के लड़के होते हुए लड़ते थे, ऐसे ही लड़ते रहो, लड़ने से नष्ट हो जाओगे, टूट जाओगे। तो कहने का आशय यही है कि किसी ब्राह्मण को भी, साधु संत को जब पूजा करा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही आप वरदान मांग लेंगे ट्रैक्टर भर के। ब्राह्मण को अगर अच्छी दक्षिणा मिलती है, अच्छा भोजन मिलता है, तो दिल से कहता है फूलो फलो, तुम्हारे बच्चे खुशी रहे, खूब नौकरी लगे, खूब सब काम हो, संपन्न हो। इसी तरह वो भी भगवान का ध्यान करके सब कुछ करती हैं। तो भगवान का ध्यान आप भी करो, तप से कोई भी बलवान हो जाता है, तप मनुष्य के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो तप से तपस्वी नहीं बन सकते, तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। कम से कम सीता राम की ध्वनि बोल लो, स्थान देवता के, क्षेत्र देवता के, ग्राम देवता के, सर्वे देव नमूना बोल के सभी से कह दो, हे प्रभु आपका नाम सत्कार गूगल की, क्षमा करना चाहिए। जय सीताराम।